नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी क्लेयर और जैसे कि पुरानी वीडियो में हर बार मैं आपके लिए कोई ना कोई इंटरेस्टिंग गाड़ी आपको दिखाता हूँ, लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी की बजाय कहाँ बैठे हैं, किसी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं क्या? तो भाई आप गलत सोच रहे हैं। इस बार भी मैं आपको एक गाड़ी ही दिखाने वाला हूँ और उस गाड़ी के ही अंदर हम लोग बैठे हैं। और मैं आया हूँ वाहो ऑटो डिजाइन राजपुरा में पाजी के पास। पाजी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। तो पाजी हम लोग यही सोच रहे हैं कि इतनी कंफर्टेबल बैठे हुए हैं किसी एक सोफे पर, कहीं पाजी के ड्राइंग रूम में जो ऑफिस में तो नहीं बैठे, तो ये पाजी एक बार आप क्लियर करो जी लोगों को। इसमें ये है जी, हम इस समय गाड़ी में बैठे हैं जी, ये टोयोटा कोस्टर बस है और इस टोयोटा कोस्टर बस के अंदर हमने ऑटो होम बनाया है। पूरा ऑटो होम कम आप ये कह सकते हैं कि एक लिविंग रूम, ऑटो होम कम लिविंग रूम बनाया हमने। ठीक है भाई, जिसके अंदर हमारे पास सारी एम्यूनिटीज़ हैं घर वाली, वॉशरूम से लेकर स्मार्ट टीवी से लेकर साउंड बार से लेकर फ्रिज से लेकर, वी हैव एवरीथिंग इन अस इन दिस बस। और हमारे पास यहाँ पर एक बड़े स्मार्ट टेबल्स हैं, ठीक है जी, ईटिंग के लिए, क्या बात टेबल है, उसके लिए अपना लैपटॉप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, काम कर सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप रख के। दोनों तरफ है हमारे ये रीडिंग लाइट्स है रात को पढ़ने के लिए, क्या बात, मान लो फैमिली सो गई है, आपने कोई काम करना है उसके ऊपर आप टेबल पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोस्तों पाजी ने जैसे कि आपको बता दिया कि हम एक ऑटो होम बस में बैठे हुए हैं जिसको कि पाजी ने अपनी गैराज में तैयार किया है। एक छोटे से छोटे काम पे भी उन्होंने ध्यान रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ सीट के सामने एक टेबल बन जाता है, यहाँ पे लैपटॉप रख के मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, कोई भी ऑफिस का काम कर सकता हूँ, ईमेल चेक कर सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ। और साथ में देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक LED रीडिंग लाइट लगी हुई यहाँ पे, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये फुली एयर कंडीशन बस है। और भाई इसमें कितने बंदे, हम कितने फैमिली मेम्बर इसमें हम सफ़र कर सकते हैं और सो सकते इसमें हैं? तकरीबन आप समझ लो 1, 2, 4, 8 से 9 बंदे इजीली इसमें सफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। और 3 बंदे सो सकते हैं आराम से। क्या बात है भाजी, मतलब हाँ अगर 3 फैमिली मेंबर आपको अगर घर से गोवा केरला कहीं पे भी घूमने जाना है तो आपको वहाँ पे होटल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें कम्फर्टेबली सो सकते हो। होटल से भी बढ़िया और लग्जरी आपको फीलिंग यहाँ पर आएगी, इसके अंदर आएगी। तो एक तो बंदा यहाँ पे सो सकता है, एक यहाँ पे और एक और बंदा अपना यहाँ पे यहां सो सकता है। ये बेड बन जाता है इस तरह से। ठीक है जी। किया और ये एक बेड ये भी बन गया, ये बन गया एक बेड, ये बन गया। हाँ जी, हाँ जी। तो सामने बिल्कुल एक LED स्क्रीन लगी हुई है, लाइटिंग लगी हुई है स्पेशल लाइट से सारी। ऊपर से जो रूफ का काम हुआ है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो स्पीकर्स लगे हुए हैं, फुली एयर कंडीशन बस है। यहाँ पे भी एक रीडिंग लाइट लगी हुई है, यहाँ पे एक टेबल बन जाता है साथ में, सामने 40 इंच की LED MI कंपनी की लगी हुई है। और भाई नीचे उसके क्या लगा हुआ है, ये साउंड बार लगा हुआ है, क्या बात है भाई, एकदम रूह खुश हो जाती है जैसा आपने इस पे काम किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और सीट्स की जो कुशनिंग है वो भी एकदम जबरदस्त है। तो भाई ये अगर किसी ने, ये फॉर सेल है भाई, पहले तो ये बताओ। फॉर सेल है जी, ये फॉर सेल है, ये हमने बनाई थी कोई 2 साल पहले। ठीक है जी। हमारे दोस्त हैं मिस्टर, बहुत बड़े वकील हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है जी। तो ये उनके लिए हमने बनाई थी, उनको हमने अपग्रेड करा है, उनको एक और नई बना के दी है। क्या बात है जी। तो उनसे फिर हमने बायबैक कर ली। ठीक है। अब ये अपने मालिक को ढूंढ रही है। ठीक है भाई। तो क्या प्राइस पर जी इसका क्या रखा है आपने? इसका अप्रोक्सीमेटली 15 लाख के आसपास हमारा एक टारगेट है कि 15 लाख के आसपास हमने बेचनी है। ठीक है। टोयोटा कोस्टर है। और अगर आप नई बस ऐसी लेने जाओ, सिर्फ बस ही बस 1.25 करोड़ रुपए की आती है। क्या बात। और बाकी इंटीरियर तो कैसा अलग है, अलग से ही काम, मतलब अगर करवाओ तो अलग। तो 15 लाख में आपको ये ऑटो होम मिलेगा यहाँ पे वाहो ऑटो डिजाइन में। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो पाजी को कॉल कर सकते हो। तो पाजी अगर मान लो किसी के पास, सपोज करो ऐसी एक बस है पहले से, जो आजकल वैसे टोयोटा की बस में तो ऑटो होम मैंने पहले देखा ही नहीं, मोस्टली लोग जो अपना इंडियन ब्रांड आता है फोर्स की जो होती है उसमें बनाते हैं। तो अगर कोई बंदा आपके पास अपनी एक बस लेके आ जाता है तो ऐसा फुली फर्निश्ड एकदम फ्लैट जैसा, घर जैसा प्रॉपर बना के आप कितने में उसको बना दोगे? वो हमारा शुरू होता है जी बिल्कुल बेसिक 3 लाख से लेकर और 25 लाख तक जाता है। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है जी। 25 लाख तक जाता है, 3 लाख से शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल 3 लाख से शुरुआत हो जाती है जी। ठीक है जी। हमारा एक मोटो है कि सबका सपना पूरा करना है। बिल्कुल। बस उसके अंदर फिर हम रेट का नहीं वेरी करता,
ठीक है जी। तो जैसे लॉकडाउन के बाद ये ऑटो होम है, इसका एकदम से ट्रेंड चल गया है, कई नई वेबसाइट्स भी, स्टार्टअप भी लॉन्च हुए हैं जो ऑनलाइन लोगों को ये बसेस रेंट पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मान लो कि आप अपना कोई स्टार्टअप भी लॉन्च करना चाहते हो, आपको बल्क में बसेस चाहिए 8-10-15, आप रेंट का ऐसा काम करना चाहते हो, तो भी आप भाजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। भाजी कर सकते हैं ना लोग? बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। तो बल्क में भी बसेस, 8 बसेस हमारे पास भी खड़ी हैं अभी, 8-10 बसेस तो भाजी के पास वैसे ही अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो भी आपको रेडी करके ये दे सकते हैं। तो अभी मैं इस बस का आपको प्रॉपर अंदर से जो इंटीरियर है, बाहर से एक्सटीरियर है, हर चीज़ आपको डिटेल में इसकी बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो चलो आओ आपको एक बस का मैं टूर देता हूँ। तो दोस्तों ये है बैक सीट हमारे ऑटो होम की, जो कि पाजी ने तैयार की है राजपुरे में। तो आप देख सकते हो इसमें किस लेवल का काम किया गया है, और एकदम देख के लग्जरी फीलिंग आती है। जो कुशनिंग है सीट्स की वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप 500-700 किलोमीटर भी दिन में चला रहे हो बस को, तो भी आप थकोगे नहीं, आप लेट सकते हो, बैठ सकते हो आराम से। तो ये रही दूसरी सीट। तो अभी आपको थोड़ा सा मैं इसके रूफ का दिखा दूं, थोड़ी सी धूप आ रही है इस बाहर से। तो भाई देख सकते हो रूफ का जो काम हुआ है, यहाँ पे एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, साथ में एसी के वेंट्स हैं, और ये जो काम हुआ है एकदम बढ़िया वाली प्लास्टिक लगी हुई है यहाँ पे, कोई चीप प्लास्टिक का काम नहीं किया गया यहाँ, पैसे बचाने के चक्कर में हल्का काम किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, काम बिल्कुल बढ़िया लेवल का है। ये एसी के वेंट्स है, और ये है इसकी फ्रंट लुक। यहाँ पाजी खड़े हैं, यहाँ से इसमें एंट्री होती है, और ये एमआई का टीवी लगा हुआ है इसमें, ये साउंड बार है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। यूएसबी अगर आपके पास है तो डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करके आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो जो मैनुअल इसके ग्लास है वो खुलते हैं, लेकिन बस फुली एयर कंडीशन है। हाँ जी, आप कर्टन भी इसमें लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें कर्टन भी इंस्टॉल, मैनुअल कर्टन कुछ भी आप बिल्कुल जी कर सकते हो। तो बस ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये रहा भाई वॉशरूम। देखो कितनी कम जगह में कैसे मतलब मेंटेन करके जगह का यूज़ किया गया है। यहाँ पर टॉयलेट सीट है, साथ में आप हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन है, और वॉशरूम में भी एसी वेंट दिया गया है। बात है जी, और 15 लाख जो इसकी डील भाजी ने बताई बहुत ही सस्ती है। ये फ्रिज है इसमें, या फ्रिज लगा हुआ है, ये फ्रिज है। तो ये रहा दोस्तों फ्रिज इसका। तो इसमें आप अपनी बियर, कोल्ड ड्रिंक जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। और ये भाजी क्या है? स्टोरेज स्पेस है। स्टोरेज स्पेस है जी। अगर ड्राइवर से मान लो बात करनी हो तो ये खिड़की खुलेगी, और आप यहाँ पे बैठे ड्राइवर से बात कर सकते हो। बेसिकली प्राइवेसी पार्टीशन है। ठीक है जी, बिल्कुल आप प्राइवेटली अपनी फैमिली के साथ इसमें ट्रैवल कर सकते हो। प्रॉपर आप देखो इसके अंदर का जो फीलिंग है, क्या फीलिंग है। तो मेरे पास वाइड, इतना ही लेंस वाइड होता है मेरा। तो नीचे जो है कारपेट बिछाया गया है, जो इसको और ज़्यादा लग्जरी लुक देता है। तो भाई ये प्रोजेक्ट देखकर भी प्रॉपर मज़ा आ गया। दोस्तों ये है बाहर से ऑटो होम की लुक। तो इसकी जो लाइट्स है आप देख रहे हैं, ये पुरानी हैलोजन लाइट्स है, लेकिन इसमें ऐसी लाइट्स इंस्टॉल करेंगे जो साथ वाले ऑटो होम में इंस्टॉल हुई है। तो ये बाहर, ये है टोयोटा की बस, बाहर से ऐसी इसकी लुक है, लेकिन इसमें जो हेडलाइट्स है वो चेंज हो जाएगी।